ये कहानी है नोमी नाम के एक शख्स की जिसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने से पहले ही बिजली चली जाती है। तो सुनिए इस नोमी की कहानी मेरी ज़बानी। जनाबे आला इतवार 12 बजे का वो दिन कि जब बाज़ार से टींडे ले आओ पूरियाँ ले आओ जैसे वादे नज़रअंदाज करके नोमी अपनी सांसें थामे टीवी स्क्रीन पर नशर किए जाने वाले क्रिकेट मैच पर अपनी नज़रें जमाए बैठा था कि मैच के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद 6 रन दरकार। कमेंटेटर का दिल धड़का था तबसरा। ये बॉलर क्रीज पे आया, पैर को मैदान से रगड़ा, गेंद को पतलून से रगड़ा, फिजा में हाथ लहराया। नोमी का दिल उछल के हलक में आया, वो जीत के लिए बेताब हो गया। दूसरी जानिब अफरीदी का बल्ला गेंद को लगने ही वाला था, स्टेडियम शोर से गूंजने ही वाला था और फिर लाइट चली गई। जनाबे वाला इस तरह की अहमियत से नोमी दिन रात दो चार होता रहा। बिजली का रोज का आना जाना, नोमी को तड़पाना, हो गया वो इतना स्ट्रेस के कपड़े नहीं थे उसके प्रेस। देने जाना था इंटरव्यू के ऑफिस में बैठा था लड़की का व्यू, बिजली ने किया बदनाम, हो गया वो इंटरव्यू में नाकाम। और ये हालत हो गई कि दिमाग का उड़ गया फ्यूज़, हो गया वो इतना कन्फ्यूज़ कि बैतुलखला में जा बैठा मैं खाना समझ के, लोटे का पानी पी गया पैमाना समझ के। नहीं होती वो दिन भी आया कि नोमी दूल्हा बना सहरा सजा घोड़ी चढ़ा बारात लेके जा पहुंचा। बारात पहुंची थी हॉल में और फिर बिजली चली गई। बिजली का जाना था कि अक्सर मजाक बन गया संजीदगी का खेल, हलचल मची वहाँ पे, बड़ा खुशफिशार था, अंधेरा था, घुटन थी, गर्मी का वार था, पंखे रुके, पसीने ने बेजार कर दिया, मेकअप जो औरतों का था सब बेकार कर दिया, मेकअप हटा के रुख पे स्याही छा गई, अंदर जो औरत थी वो बाहर आ गई, खाना जो पका था वो बेमिसाल था, जर्दे में मिर्च इतनी चखना महाल था, ये कोल में की देख में बिल्ली उतर गई, बाहर निकल ना पाई अंदर ही मर गई, कुछ इस तरह से जीत के बाजी निकल गया, दूल्हे का जूता पहन के काजी निकल गया। शुक्रिया।